हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे होमोफोन्स के बारे में। होमोफोन्स जो होते हैं वो बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, द मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स इन इंग्लिश। इतना कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करते हैं ये, क्योंकि ये सिमिलर साउंड करते हैं। साउंड जो होते हैं ना, इनका बिल्कुल सिमिलर होता है, डियर डियर, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन सा वाला डियर कब बोले जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं होमोफोन्स होते क्या हैं। ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आप प्रोनाउंस तो सेम होते हैं, जब उनको आप प्रोनाउंस करेंगे तो बिल्कुल सेम साउंड करेंगे, लेकिन उनका मीनिंग अलग होगा, उनका मीनिंग जो है वो डिफरेंट होगा और साथ में उनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट होगी, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देखिए, जैसे फर्स्ट वर्ड है स्टील और दूसरा भी क्या है स्टील, लेकिन फर्स्ट वर्ड का मीनिंग जो है स्टील का मतलब स्टील, सेकेंड का मतलब जो स्टील है वो क्या होता है, चुराना। ठीक है, ऐसे ही पीस और पीस, पीस का मतलब क्या होता है, शांति, और दूसरा जो पीस है इसका मतलब क्या होता है, टुकड़ा। ठीक है, तो पेपर का टुकड़ा। ठीक है, ऐसे ही है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, तो एक प्रिंसिपल कौन होता है, आपके स्कूल का प्रिंसिपल, राइट, और दूसरा हमारे प्रिंसिपल जो आपके सिद्धांत होते हैं ना, जिसके लिए बापू जी बहुत फेमस हैं। ठीक है ना, तो वो होता है प्रिंसिपल। तो ये वर्ड्स क्या होते हैं, समझ में आ गया ना, वापस रिपीट करो मेरे साथ। ऐसे वर्ड्स जो का प्रोनंसिएशन तो सेम होगा लेकिन उनका मीनिंग अलग होगा और दूसरा उनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट होगी। चलिए इसका एग्जांपल देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, डियर इज़ डियर बट डियर, अब अगर मैं आपको बोलूँ डियर इज़ डियर बट डियर तो आपको समझ में ही नहीं आएगा ना कौन से वाले डियर का क्या मीनिंग है। तो इसीलिए हम यहाँ पर हैं कि समझ सकें इनको कि होमोफोन्स क्या होते हैं, इतना कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। चलिए, जो फर्स्ट डियर है उसका स्पेलिंग जो है वो क्या है, डी डबल ई आर, डी डबल ई आर, डियर का मतलब क्या होता है, हिरन, तो फर्स्ट वर्ड का मीनिंग क्या है, हिरन। दूसरा जो डियर है वो आप बोलते हो ना, यू आर सो डियर टू मी, है ना, डियर का मतलब बहुत प्यारा होता है, हमारा जो बहुत प्यारा होता है उसको डियर बोलते हैं ना, माई डियर फ्रेंड, ऐसा लिखते हो ना आप हमेशा, तो वो प्यारा, ठीक है, बहुत प्यारा है हिरन जो है वो बहुत ही प्यारा है। लेकिन जो डियर वर्ड होता है ना, डी ए आर, उसका एक और मीनिंग भी होता है, उसका मतलब होता है महंगा, एक्सपेंसिव। तो इसका मतलब सेंटेंस में ये क्या बोल रहा है कि डियर इज़ डियर बट डियर, कि डियर जो है वो प्यारा तो बहुत है, बहुत प्यारा लग रहा है ना, कितना सुंदर है, बहुत प्यारा है लेकिन बहुत महंगा है, आप इसे खरीद नहीं सकते। तो डियर इज़ डियर बट डियर, ठीक है, समझ में आ गया ना। डियर, एक डियर का मीनिंग क्या होता है, हिरन, और दूसरे का क्या मीनिंग है, प्यारा भी और एक्सपेंसिव भी। ठीक है, ऐसे ही और वर्ड्स देखिए मेरे साथ, बाय बाय बाय, देखिए तीनों को आप बोल रहे हैं तो आपका प्रोनंसिएशन सेम है, आपका प्रोनंसिएशन सेम है ना, बाय, तो जैसे आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू कार, तो मेरे को एक नई गाड़ी खरीदनी है, कौन सी अच्छी है, खरीद लूँ क्या, चलो खरीद लेंगे। ठीक है, और दूसरा बाय बाय, आप बाय बोलते हो ना, बाय रिया, बाय राहुल, बाय अंजलि, याद है ना, हाँ, तो ऐसा बाय का मतलब आप किसी को सी ऑफ कर रहे हो, दूसरा बाय का मतलब आप कुछ खरीदना चाहते हो, यू वांट टू परचेज समथिंग, और एक और बाय है द टेबल इज़ बाय द विंडो, टेबल इज़ बाय द विंडो का मतलब क्या है कि जो टेबल है वो खिड़की के पास में है, बाय द विंडो मतलब पास में, नियर, नियर द, द टेबल इज़ नियर द विंडो। ठीक है, इस बाय का मीनिंग क्या है, नियर। तो ये देखिए, ये होमोफोन्स कितने कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं ना। तो देखिए, अब आपको हमेशा याद रहेगा कि बाय का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या, जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे ना तो आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ऐसे बहुत सारे, देयर इज़ अ थाउजेंड्स ऑफ होमोफोन्स, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट है अलाउड, अलाउड मतलब स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड हेयर, मतलब यहाँ पे आप स्मोकिंग नहीं कर सकते। दूसरा वर्ड है अलाउड, अलाउड का मतलब जोर से, ही क्राइड अलाउड, बहुत जोर से चिल्लाया, बहुत जोर से रोया। ठीक है ना, नेक्स्ट है एड, एड, अब ये देखो फिर से एड, तो ये एड का मतलब क्या है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, आई सॉ एड इन द लोकल न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर, तो मैंने जो एड देखी थी वो कहाँ पे देखी थी, एड मतलब एडवर्टाइजमेंट, जो विज्ञापन आते हैं ना उसको बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट कहाँ देखी, न्यूज़पेपर में। दूसरा है एड, डू यू वांट टू ऐड योर नेम इन ग्रुप लिस्ट, तो आप ऐड करना चाहते हो, कुछ ऐड करते हैं ना,
यानी कि जोड़ना चाहते हो, कुछ आप ऐड करना चाहते हो, यू वांट टू ऐड समथिंग, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला ऐड आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब स्पेलिंग डिफरेंट है दोनों की, उस ऐड में सिर्फ ए डी लिखा हुआ है, इसमें ए डबल डी है, तो इट्स ईजी टू आइडेंटिफाई। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, ये प्रोनंसिएशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा दोनों में। जो पहला कॉम्प्लीमेंट है वो उसको वो बोलते हैं कि मतलब ये इसके साथ सुहाएगा कि नहीं सुहाएगा, जैसे बोलते हैं ना इट गोज विद, मतलब दोनों समरूप है, एक समान है, दे आर सेम। द डार्क ब्लैक डार्क ब्लैक शर्ट कॉम्प्लीमेंट द ब्राउन लेदर शू, के अगर आप ब्लैक शर्ट के साथ लेदर के शू पहनेंगे तो क्या करेगा, मैच करेगा ना, तो मैच करने का काम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। बस की स्पेलिंग आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे ई है, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस में इसमें क्या है, सिर्फ ई और आई का डिफरेंस है, जो ऊपर वाली स्पेलिंग है उसमें ई है, तो वो कॉम्प्लीमेंट ई वाली में क्या होगा कि वो मैच करेगा। सेकेंड है कॉम्प्लीमेंट, जिसका जैसे आपको कॉम्प्लीमेंट देता है ना कोई, ओ यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस, सो आप क्या बोलते हो, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, ऐसे बोलते हैं ना, तो वो कॉम्प्लीमेंट है, वहाँ पे क्या आएगी, स्पेलिंग आई आएगी। सोनम लव्ड वेयरिंग हर रेड ड्रेस बिकॉज ऑफ ऑल द कॉम्प्लीमेंट शी रिसीव्ड अबाउट इट। आपको भी कोई कॉम्प्लीमेंट देगा रेड ड्रेस के लिए, तो आप हमेशा रेड ड्रेस ही पहनोगे ना, ऐसा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्निंग फॉर एवर, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।